हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज आप सबसे फिर से कनेक्ट होने का मौका मिला है। तो आज जो ये हम वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो का खास जो मकसद है वो आप तक ये मैसेज पहुंचाना है आने वाली पोस्टें, क्योंकि लास्ट कुछ वीक से जैसे एक नोटिफिकेशन काफ़ी वायरल हो रही है, जिसको लेकर काफ़ी सारी कॉल मैसेजेस मेरे पास आ रही हैं, और पोस्ट को लेकर आने वाली जो पोस्ट है उसको लेकर काफ़ी सारे बच्चे चिंतित हैं कि पोस्टें आनी है नहीं आनी है। और मेरे को काफ़ी सारे बच्चे ये भी कॉल करके पूछ रहे हैं, ये पोस्टें है भी है, ये कोई फेक ऑर्डर तो नहीं है। तो इसी बारे में हम बात करेंगे। मैं सबसे पहले आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक ये चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है, आप जल्दी से जल्दी ये चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें, सो दैट आप तक वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आने वाली पोस्टें। जैसा कि अभी रिसेंटली JKSSB द्वारा और LG एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा हमें बताया गया था कि पोस्टें हम जल्दी से जल्दी एडवर्टाइज करने वाले हैं, क्योंकि जो 2019 से पहले वाली पोस्टें थी, जब वो विड्रॉ कर ली गई, तो उसके बाद बताया गया था कि हम फिर से रीएडवर्टाइज करेंगे सारी पोस्टें जो भी हमने विड्रॉ की हैं, और उसी के साथ हम और भी पोस्टें निकालेंगे जो हमारे पास वैकेंट अलग अलग डिपार्टमेंट्स में होंगी। तो इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो रिसेंटली डेवलपमेंट JKSSB द्वारा बताई गई है, वो ये पता चल रहा है कि अभी हमारे पास 3000 के करीब, 3000 4000 के करीब पोस्टें आएंगी, जिसमें कि मैं आपको क्लियरली बताना चाहूँ, हमारे पास 1500 के करीब VLW की पोस्टें आने वाली हैं, और साथ ही JEE सिविल और JEE मैकेनिकल। मैं एक बार आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, JEE सिविल और JEE मैकेनिकल, जिसको लेकर मेरे को काफ़ी ज़्यादा कॉल्स आती रहती हैं। JEE सिविल और JEE मैकेनिकल की जो पोस्टें हैं, वो JEE सिविल की 855 है, और मैकेनिकल स्ट्रीम की हमारे पास 190 के करीब पोस्टें आने वाली हैं। और इसी के साथ अगर हम बात करें JEE इलेक्ट्रिकल की, इस साल भी उनकी कोई पोस्टें नहीं आई है। लास्ट फ्रॉम 2014-15 के बाद 2018-19 में पोस्टें आई थी, बट किसी वजह से वो विड्रॉ कर ली गई थी। उनको ये बताया गया था कि इसका फर्दर नोटिफिकेशन में आपको बता दिया जाएगा कि ये एग्ज़ाम कब होगा, लेकिन आज तक उनका कोई पता नहीं चला। बाद में वो पोस्टें विड्रॉ कर ली गई। एक चीज़ मैं और इसमें बताना चाहूँगा, अभी रिसेंटली न्यूज़पेपर में भी एक कटिंग में ये दिखाया गया था कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में AE की काफ़ी सारी पोस्टें वैकेंट पड़ी हुई हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक दो दिन पहले ही न्यूज़पेपर, जो हमारा लीडिंग डेली एक्सेलसियर है, उसमें ये कटिंग एक पड़ी थी, जिसमें ये बताया गया था कि AE की काफ़ी सारी पोस्टें वैकेंट है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, जूनियर असिस्टेंट की काफ़ी पोस्टें आने वाली हैं, और जूनियर असिस्टेंट की ऐसी पोस्टें हैं जो हर नोटिफिकेशन में एक लिमिटेड नंबर हमें मिलता है देखने को। और इसी के साथ काफ़ी सारी पोस्टें नायब तहसीलदार की भी सुनने को मिल रही हैं कि वो भी एडवर्टाइज होने वाली हैं। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि पोस्टें जो हैं वो कभी भी अनाउंस हो सकती है, और फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट होने के कारण आप लोगों को तैयारी के लिए कम से कम टाइम मिल सकता है। तो इसीलिए इन सब पोस्टों के लिए आप अभी से अपनी तैयारी करना शुरू कर दें। अगर आप पोस्टों के एडवर्टीजमेंट का वेट कर रहे हैं, उसका वेट ना करें, सिलेबस आप लोगों के पास है, आप जल्दी से जल्दी तैयारी अपनी शुरू कर सकते हैं। और इसी के साथ एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, क्लास फोर्थ की भी काफ़ी सारी पोस्टें हैं जो पोस्टें आने वाली हैं, और आप लोग अभी से अगर तैयारी अपनी शुरू करते हैं, आप लोग उतना ज़्यादा एलिजिबल होंगे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम आप लोगों को तैयारी करने के लिए मिल रहा है, आई थिंक दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट। क्योंकि अगर एग्ज़ाम की डेट आ भी जाती है, क्योंकि नोटिफिकेशन अगर निकलता है, यू माइट बी हैविंग 2 to 3 months ओनली, मतलब 3 महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, जैसे हमने लास्ट JEE एग्ज़ाम में भी देखा था, या सब इंस्पेक्टर का भी एग्ज़ाम हुआ। और इसी के साथ एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, अभी सब इंस्पेक्टर फाइनेंस जो रिसेंटली अप्रैल में होने वाला था, वो भी एक्सटेंड हुआ है, तो उसके लिए भी आप लोग अभी तैयारी कर सकते हैं। यू हैव दैट मच ऑफ टाइम, बिकॉज वो एग्ज़ाम भी अब अप्रॉक्सीमेटली जून तक होने की संभावना है, मतलब हो सकता है। तो इसी के साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करना चाहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं, रिसेंटली JKSSB द्वारा रिवाइज आंसर की निकाली गई, उसमें भी काफ़ी सारी कोताहियाँ निकली, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स उसमें भी बच्चों को देखने को मिली। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा JKSSB से कि एक प्रोमिनेंट रिक्रूटमेंट एजेंसी होने के कारण उनका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि वो कुछ ऐसा ना करें कि जिससे कि एक हड़बड़ी स्टूडेंट्स में बढ़े, और जो एस्पिरेंट्स हैं उनका मोरल डाउन हो। हमने
हमने वक्तन फवक्तन अपनी बात JKSSB तक पहुंचाने की कोशिश की, चाहे मीडिया सोर्सेज से, लेकिन काफ़ी सारी त्रुटियां इस आंसर की में देखने को मिली, और जिस तरीके से उसमें उन्होंने रिप्रेजेंटेशंस भी कंसिडर करना बंद की, बट स्टिल उन्होंने ऑफलाइन वहां पर कंसिडर की। बट मेरा कहने का मतलब ये है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा JKSSB की अथॉरिटीज से, एक तो सबसे पहले जो पोस्टें उनके पास रेफर होके आई है वो जल्दी से जल्दी विदाउट फर्दर डिले उनको एडवर्टाइज करे, क्योंकि काफ़ी महीनों से, काफ़ी हफ्तों से ये नोटिफिकेशंस यहाँ से वहाँ वायरल हो रहे हैं, जिनके ऊपर काफ़ी सारे बच्चे यकीन भी कर रहे हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को फेक भी लग रहा है। और इसी के साथ मैं बात करना चाहूँगा, LG एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट जो है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, उनके पास फ्रॉम लास्ट 5 to 7 years दे आर नॉट हैविंग देयर रिक्रूटमेंट, कि उनके पास कोई पोस्ट नहीं आ रही हैं, वो लोग काफ़ी डिप्रेस्ड हैं, काफ़ी उनका मोरल डाउन हो चुका है। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, अगर ये वीडियो एडमिनिस्ट्रेशन तक भी पहुंचती है, मैं उन तक ये एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहूँगा कि उनके लिए भी सोचा जाए, उनके लिए भी पोस्टें जल्दी से जल्दी एडवर्टाइज़ की जाए। और JKSSB से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो जब भी नेक्स्ट एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, वो हर एक चीज़ को दिमाग में रखते हुए ये एग्ज़ाम कंडक्ट करें, ताकि जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाए उसमें स्टूडेंट्स को आपत्ति उतनी ना रहे, क्योंकि जैसे उनको आपत्ति रहती है तो उनका मोराल कहीं ना कहीं डाउन होता है, और वो कहीं ना कहीं पेपर देने के बाद भी वो परेशानी का उनको सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा JKSSB से और LG एडमिनिस्ट्रेशन से कि जितना जल्दी हो सके जो पोस्टें उनके पास रेफ़र होके आई हैं वो जितना जल्दी हो सके वो एडवर्टाइज़ करें। और मैं स्टूडेंट्स से खासकर इस वीडियो में रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मैंने आपको सारी पोस्ट के बारे में अलग अलग तरीके से बता दिया, VLW की आपके पास पोस्ट आने वाली है, क्लास फोर्थ पोस्ट आपके पास आने वाली है, JEE सिविल, JEE मैकेनिकल की आपके पास पोस्ट आने वाली है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसकी तैयारी करना शुरू करें। नायब तहसीलदार की आपके पास जो सुनने में आ रहा है सोर्सेस से कि वो भी आ सकती है, तो आप लोग जितना जल्दी हो सके उसकी तैयारी शुरू करें, क्योंकि आपको तैयारी का टाइम कम मिल सकता है, आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है, यू कैन प्रिपेयर फॉर दैट। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू ऑल विल लाइक दिस वीडियो। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे एस्पिरेंट्स से कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जितना ज़्यादा हमारे साथ वो जुड़ेंगे, हमारी कोशिश रहेगी कि हम स्टूडेंट्स के मुद्दों को लेके भी आगे चलें।